छोटे पर्दे की ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जो बड़े पर्दे पर बोल्ड अंदाज में नजर आ चुकी हैं। जानते हैं ऐसी ही कुछ टीवी एक्ट्रेसेस के बारे में। दिशा वकानी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दया भाभी के नाम से घर घर में पॉपुलर हो चुकी दिशा वकानी ने 1997 में कम्स इन द अनटच्ड टाइटल वाली बी ग्रेड फिल्म में काम किया था। दीप्ति भटनागर। दीप्ति भटनागर ने 1997 में ऑपरेशन कोबरा में खूब बोल्ड सीन्स दिए थे। दीपशिखा नागपाल। दीपशिखा बड़े पर्दे पर फिल्म कोयला में अनड्रेस हो चुकी हैं। अर्चना पूरन सिंह। अर्चना रात के गुनाह जैसी बी ग्रेड फिल्मों का हिस्सा भी रह चुकी हैं और बॉलीवुड में वो सनी देओल के साथ आग का गोला फिल्म में हॉट किसिंग सीन दे चुकी हैं। उर्वशी ढोलकिया। उर्वशी बी ग्रेड फिल्म स्वप्नम में काम कर चुकी हैं। इस फिल्म से उनके इंटीमेट सीन्स काफी वायरल हो चुके हैं। रश्मि देसाई। टीवी पर आने से पहले वो बी ग्रेड फिल्मों में काम करती थी। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों के साथ साथ हिंदी में ये लम्हे जुदाई के जैसी बी ग्रेड फिल्मों में काम किया है। श्वेता तिवारी। फिल्म बिन बुलाए बाराती में श्वेता को बोल्ड अंदाज में देखा गया था। व्हाइट साड़ी में वो एकदम स्टनिंग लग रही थी। शाहरुख खान हाल ही में छोटे बेटे अबराम के साथ लॉन्ग ड्राइव पर स्पॉट किए गए। शाहरुख अबराम को व्हाइट बीएमडब्ल्यू में कार्टर रोड लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते स्पॉट हुए। इस दौरान अबराम ने कार में खड़े होकर ड्राइव एंजॉय की तो वहीं शाहरुख ड्राइव करते नजर आए। एज यूजुअल ड्राइव के दौरान अबराम काफी क्यूट लग रहे थे। इस ड्राइव की वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही है जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अमेरिकन टीवी सीरीज क्वांटिको में बिजी हैं। शो के मेकर्स ने अपकमिंग एपिसोड की एक GIF इमेज ट्विटर पर शेयर की है जिसमें प्रियंका अपने को-स्टार जेक मैकलॉगलिन के साथ स्मूच करती दिखाई दे रही हैं। कॉफी शॉप जैसी पब्लिक प्लेस में होने के बावजूद ये दोनों पैशनेटली लिप लॉक करते नजर आ रहे हैं। क्वांटिको में प्रियंका CIA ऑफिसर एलेक्स पैरिश है तो जेक रियान बूथ का किरदार निभा रहे हैं। सलमान खान की आगामी फिल्म ट्यूबलाइट का हर किसी को तहे दिल से इंतजार है। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही इसने सुर्खियों में जगह बना ली है। फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। इस फिल्म का इंतजार करने वालों के लिए एक खुशखबरी है। इस फिल्म का ट्रेलर अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते या फिर मई महीने के शुरुआती दिनों में रिलीज हो सकता है। फिल्म की सबसे खास बात ये है कि इसके जरिए शाहरुख और सलमान एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे। यही वजह है कि लोगों में इस फिल्म को लेकर काफी उत्सुकता है। इस फिल्म में शाहरुख का कैमियो है। फिल्म में शाहरुख के अलावा ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको थिएटर तक खींच ही लाएंगी। आज के जेनरेशन की एक्ट्रेस बोल्ड फोटोशूट कराएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लगभग सारी फेमस मैगजीन्स एक्ट्रेसेस के ऐसे फोटोशूट्स को कवर पेज बनाती हैं और चर्चा बटोरती हैं। लेकिन ये 1951 में होगा, क्या आपने कभी सोचा था? उस दौर में जहां एक्ट्रेस फिल्मों में एक्टिंग करने से कतराती थी और साड़ी में लिपटी हुई नजर आती थी, उस जमाने में भी एक एक्ट्रेस ने ऐसा कर सबको हैरत में डाल दिया था। इस एक्ट्रेस का नाम था बेगम पारा। बेगम पारा ने 1951 में लाइफ मैगजीन के लिए एक ग्लैमरस फोटोशूट कराया था। इस फोटोशूट में उन्होंने व्हाइट और ब्लैक साड़ी पहनकर और सिगरेट के कश लगाते हुए ऐसे पोज दिए थे कि बॉलीवुड की फर्स्ट बॉम्बशेल और पिनअप गर्ल के नाम से मशहूर हो गई थी। बेगम पारा का ये फोटोशूट उस दौर के फेमस फोटोग्राफर जेम्स ब्रुक ने किया था। बेगम पारा 1940 से 50 के दौर की बोल्ड एक्ट्रेस थी। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।